हेलो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज में पैटर्न का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा और पैटर्न जो है बिल्कुल एकदम थोड़ा सा अभी जो अपन ने पिछले वीडियोस देखे उनसे थोड़ा सा अलग टाइप का होगा लाइक like, प्रीवियस वीडियो में जो हमने पैटर्न देखे थे उनमें हमने आई और जे का लूप चलाया था गाइज फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो हमने पैटर्न देखा था वो कुछ इस तरह का था इफ़ यू विल रिमेंबर लाइक वन वन टू वन टू थ्री राइट right? इस तरह के पैटर्न हमने किए थे लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो हर बार हर लाइन में वैल्यूज जो है वो रीसेट नहीं हो रही है कंटिन्यूसली काउंटिंग चल रही है ठीक है तो इस पैटर्न को थोड़ा सा डिकोड करते हैं देन इसका कोड लिखते हैं हम लोग इसे मैं हटा दे रहा हूँ इसे हम यूज नहीं कर रहे तो गाइज हमारे पास में नंबर ऑफ लाइन देखें वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव लाइन्स से ओके सो सिंपली हम आई का जो लूप यूज़ करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक यूज़ करेंगे वन से फाइव तक अब देखिए जब आई की वैल्यू वन है तो जे का लूप एक बार चला है आई की वैल्यू दो है तो जे का लूप दो बार चला है आई की वैल्यू तीन होने पर जे का लूप तीन बार चला है आई की वैल्यू चार होने पर जे का लूप चार बार चल रहा है और आई की वैल्यू पाँच होने पर जे का लूप पाँच बार चल रहा है राइट तो जे बराबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वन से एंड जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलाएंगे हम आई तक ठीक है अब ये जो वैल्यूज है guys, ये देखिए हो रही है जैसे वन फिर टू थ्री फिर फोर फाइव सिक्स सो हम क्या करेंगे guys? हम बराबर ले, ले लेंगे एक initially, 1. And J के लूप में हम प्रिंट कराएंगे इसको काउंट को एंड काउंट को एक से इंक्रीज करते जाएंगे ठीक है ये बेसिक हमारा लॉजिक रहेगा तो लाइए इसका मैं कोड लिखता हूं देन उस कोड को हम ड्राई रन करेंगे एंड फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे सो डेवलपर सी प्लस प्लस मैंने स्टार्ट किया एंड सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी हमारा कोड लिख देते हैं हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई यू डॉट एच एंड एक इंटीज़र आई ले लिया हमने जे ले लिया हमने एंड काउंट इक्वल टू हमने ले लिया वन फाइन फोर आई इक्वल टू वन से आई लेस देन इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस फोर जे इक्वल टू वन से जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे गाइज किसको काउंट की वैल्यू so, को सो हमने काउंट को प्रिंट कराया और एक स्पेस भी दे देते दे दे हैं हर वैल्यू उसके बाद में स्पेस आ रहा था राइट एंड काउंट को हम क्या करते जाएंगे इनक्रीज देन जैसे ही जे का लूप खत्म हो रहा है हमने डाल दिया प्रिंट एफ एन फाइन गैस नाउ हम लोग क्या करते हैं इसको ड्राई रन करके देखते हैं सबसे पहले गैस देखिए हमारे पास में सबसे पहले आई के लूप पे आएगा कंट्रोल ठीक है तो आई की वैल्यू वन नाउ कंडीशन टेस्ट होगी आई देन इक्वल टू फाइव ट्रू है नाउ जे के लूप में जाएगा जे इक्वल टू सेट होगा वन एंड जे देन इक्वल टू आई तक चलेगा ठीक है तो जे की वैल्यू वन कंडीशन चेक हुई जे देन इक्वल टू आई है क्या ट्रू है लूप के अंदर आएगा काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा सो आई वन है जे वन है ठीक है लूप में आया काउंट को प्रिंट करवा दिया तो काउंट की वैल्यू गायज हमारे पास क्या थी इनिशियली वन थी तो काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा गाइज आउटपुट में वन ठीक है देन काउंट प्लस प्लस होगा ठीक है तो काउंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी गाइज टू देन जे प्लस प्लस होगा जे की वैल्यू अपडेट होकर के होगी टू अब जैसे ही जे की वैल्यू टू हुई कंडीशन चेक हुई है कंडीशन हो गई तो लूप से बाहर आ जाएगा न्यू लाइन प्रिंट करेगा आउटपुट में देन आई प्लस प्लस पे चला जाएगा तो इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में टू। ठीक है देन आई वाले लूप की कंडीशन चेक करेगा आई लेन इक्वल टू फाइव टू वापस रीस्टार्ट हो गया कहां से वन से कंडीशन चेक हुई लेस देन इक्वल टू है क्या देखिए आई बराबर क्या है हमारे पास है जे बराबर वन है तो ये कंडीशन ट्रू है लूप के अंदर आएगा काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा गाइस तो काउंट की वैल्यू क्या है अभी अपने पास में काउंट की वैल्यू है हमारे पास में अभी टू तो ये टू प्रिंट कर देगा ठीक है देन काउंट प्लस प्लस होएगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारे पास में थ्री नाउ जे प्लस प्लस होगा जे की वैल्यू वन थी अभी वन से बढ़ के कितनी हो गई टू कंडीशन चेक हुई जे लेसन इक्वल टू आई है क्या आई देखिए कितना था इस टाइप के लिए टू था तो कंडीशन ट्रू है अंदर आएगा काउंट को फिर से प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू कितनी है गाई? अपने पास तो दो के बाद प्रिंट हो जाएगा तीन देन काउंट प्लस प्लस होगा यहाँ पे तो काउंट की वैल्यू तीन की बजाय कितनी हो जाएगी अब चार हमारे पास नाउ जे प्लस प्लस पे जाएगा यहाँ पे वैल्यू कर देगा जे की वैल्यू थी दो दो से बढ़ा के तीन नाउ कंडीशन चेक हुई जे लेसन इक्वल टू आई है क्या ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि आई की वैल्यू देखिए क्या है इस स्टेप में हमारी टू है सो so, जे वाले लूप से बाहर आया लाइन चेंज करी प्रिंट प्रिंटेशन से देन वापस यहां से कहा गया आई प्लस प्लस पे तो so, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी इस बार हमारे पास थ्री देन वापस लेस देन इक्वल टू ट्रू है अंदर आएगा जे इक्वल टू वन से स्टार्ट हो जाएगा तो so, जे बराबर कितना सेट हो गया हमारे पास वन कंडीशन चेक हुई जे देन इक्वल टू आई है क्या ट्रू है क्योंकि अभी आई की वैल्यू तीन है जे की वैल्यू वन है राइट right? so, लूप के अंदर आएगा काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा तो so, काउंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास गाइज लास्ट वैल्यू चार थी तो ये चार प्रिंट करेगा ठीक है देन काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट की वैल्यू काउंट की वैल्यू काउंट प्लस प्लस से कितनी होगी गाइज हमारे पास पांच देन यहां से कहा जाएगा वापस जे प्लस प्लस पे जे की वैल्यू बढ़कर ये कितनी होगी हमारे पास में दो कंडीशन चेक हुई जे लेस देन इक्वल टू आई ट्रू है राइट अंदर आएगा काउंट को प्रिंट कर देगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज प्रिंट फाइव देन काउंट प्लस प्लस हुआ तो काउंट की वैल्यू पांच से बढ़ के कितनी हो गई देन वापस जे प्लस प्लस पे जाएगा जे की वैल्यू बढ़कर अंदर आ गया काउंट को प्रिंट करवा देगा काउंट की वैल्यू कितनी है गाइस छे है तो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में हमारा देन काउंट प्लस प्लस होगा काउंट की वैल्यू बढ़कर के सात फिर यहां से कहा जाएगा जे प्लस प्लस पे जे की वैल्यू बढ़कर के चार कंडीशन चेक हुएगी जे लेस देन इक्वल टू आई है ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि आई की वैल्यू स्टेप के लिए थ्री थी ठीक है सो इसी तरीके से आई बराबर फोर होगा ठीक है नाउ आई की वैल्यू बढ़ के फोर हुई कंडीशन चेक हुई ट्रू है अंदर आ गया जे बराबर री स्टार्ट हो गया कहाँ से वन से सो so, जे बराबर वन कंडीशन चेक हुई जे इक्वल टू आई है क्या ट्रू है अंदर आया काउंट को प्रिंट कराया काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास सेवन तो सेवन प्रिंट कर दिया देन काउंट प्लस प्लस होगा तो इस टाइप के लिए काउंट की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी हमारे पास आठ

कंडीशन चेक हुई तो आएगा काउंट को प्रिंट करवा देगा काउंट की लास्ट वैल्यू थी हमारे पास इलेवन सो इलेवन प्रिंट हो गया देन काउंट प्लस प्लस हुआ तो काउंट की वैल्यू हो गई हमारे पास में ट्वेल्व ठीक है देन जे प्लस प्लस हुआ जे की वैल्यू टू ठीक है तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ आप खुद से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा अगर नहीं होता है देन मुझे आप कमेंट करके बताएं मैं आपको इसको कंप्लीट करके दूंगा कि लास्ट में कैसे काम कर रहा है बट आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सो so इस स्क्रीन को मैं कर देता हूँ क्लियर अभी और हम चलते हैं हमारे सेव एंड एग्जीक्यूट में। सो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कर लेते हैं गाइज सेव फाइल मेन्यू में गया मैं सेव ऑप्शन का मैंने यूज किया एंड सी लैंग्वेज के फोल्डर में मैं इसे सेव कर देता हूं पैटर्न विद काउंट एंड सी सोर्स फाइल नाउ मैंने इसको किया कंपाइल एंड रन एंड दिस इज अवर आउटपुट सेवन एट नाइन टेन अलेवन टर्टीन फोर्टीन तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज